वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर हम एक वीडियो देख रहे हैं, दो तीन दिन से काफ़ी वायरल हो गई वीडियो वो वाली, जिसके अंदर दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक ढाबा है, बाबा का ढाबा नाम से, जहाँ पर एक बुज़ुर्ग दंपत्ति वहाँ पर वो काम करते थे और वो ढाबा पे अपनी रोज़ी रोटी कमाने की वो जद्दोजहद करते थे। कोई भाई पहुंचा वहाँ पर और उसने वीडियो बनाई। वीडियो में बात करते करते वो रोने लगे और सोशल मीडिया पे वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई। हमने देखा कि उसके नेक्स्ट डे काफ़ी सारे लोग पहुंच गए वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए। बहुत खुशी हुई देख के ये बात कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम किसी का भला भी कर सकते हैं, किसी का भला भी हो सकता है। नहीं तो आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया पे सिर्फ एक दूसरे को गाली निकालना, एक दूसरे की टांग खींचना और एक दूसरे के धर्म को भला बुरा बोलने का ही काम चल रहा है। बहुत अप्रिशिएबल है, काफ़ी सारे लोग पहुंच गए वहाँ पर, आपने देखा होगा वीडियो पे, मैंने भी देखा। और बहुत सारे लोग पहुँचे दूर दराज से भी, कोई रेवाड़ी से आया हुआ था, कोई मानेसर से आया हुआ था, कोई गाज़ियाबाद से आया हुआ था, काफ़ी सारा मीडिया भी पहुँच गया और जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी पहुँच गए वहाँ पर। उन बाबा जी की हेल्प करी, किसी ने फाइनेंशियल तौर पर करी, किसी ने खाना खा के, और उसके बाद हमने उनकी फ़ोटो भी देखी कि काफ़ी खुश थे वो कपल, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसी बीच में मैं एक अपने विचार आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि उन बाबा जी की हेल्प करी और उनको, वो बुज़ुर्ग थे, दंपत्ति थे और करीब 200-400 लोग मैंने देखा वहाँ पहुँच गए। दोस्तों, इसके अंदर एक हम छोटा सा, मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 200-400 लोग एक बाबा की हेल्प करने के लिए पहुंच गए, तो अगर वही 200-400 लोग अलग अलग लोगों की हेल्प करते तो जहां पर वो बुज़ुर्ग दंपत्ति हंस रहा था, क्या पता वो 200-400 दंपत्ति, 200-400 बुज़ुर्ग, उनके चेहरे पे मुस्कान हम ला सकते थे। मैं इस चीज़ को गलत नहीं बोल रहा, अप्रिशिएबल है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए था कि ठीक है, वहाँ पर आप गए, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आगे आए, उन्होंने उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करी, पैसे की मदद करी, लेकिन अगर एक बंदे को 500 लोग हेल्प करेंगे और बाकी के 499 या हज़ारों सैकड़ों की तादाद में वो लोग बेचारे बैठे रहेंगे मायूस होकर, जिनके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं है, तो हमारा भी उनके प्रति फ़र्ज़ बनता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग, काफ़ी लोग आउटसाइड से आके, दूर दराज से आके वो गए ढाबे पे, आज भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे और उन्होंने हेल्प करी। दोस्तों, हमको किसी की हेल्प करने के लिए और ऐसी इंटेंशन से इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे ना, तो जैसे हमारे देश के हालात हैं आज, घर से बाहर निकलती एक बच्चा आपको मिल जाएगा जिसके पैर में चप्पल नहीं होती, एक भिखारी आपको मिल जाएगा, एक औरत मिल जाएगी आपको जिसके पास उसके दूध पीते बच्चे को रोटी खिलाने के लिए पैसे नहीं है, किसी बच्चे के शरीर पे कपड़ा नहीं है। तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो हमारे परिवार के अंदर हो, रिश्तेदार हो, या हम किसी और की हेल्प कर सकें, सबसे पहले हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए। अभी भी मैं आपसे फिर कहता हूँ कि वो जो भी हुआ, बाबा जी के ढाबे पे जो भी लोग पहुँचे वो तारीफ़ के काबिल हैं, लेकिन अगर उनमें से आधे लोग अलग अलग जगह जाते और वहाँ से फ़ोटो खींच के डालते, तो जो हमको खुशी हुई एक बुज़ुर्ग के चेहरे पे देख के, वहीं पर अगर हम 250 बुज़ुर्गों का या 500 बुज़ुर्गों का, जो बेचारे मजबूर हैं, लाचार हैं, उनका हफ्ता हुआ चेहरा देखते, तो इस बात का मज़ा ही कुछ और होता। मेरा मानना ये दोस्तों, और हो सकता है कि आपका सोचना अलग हो, और हर किसी का अपना अपना एंगल होता है किसी चीज़ को देखने का, तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए था कि अपने घर से निकलते ही हमको ज़रूरत है आसपास के अंदर, क्या पता आपका पड़ोसी हो, कोई बुज़ुर्ग हो, जिसकी फैमिली में ना कोई भी हो उनकी केयर टेक कर, उनकी केयर करने वाला, तो इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आज आप अपने आसपास भी नज़र उठा के देख लोगे ना, तो आपको हज़ारों ऐसे बंदे मिल जाएंगे जिनके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं है और वो कैसे अपना गुजारा करते हैं हम भी नहीं जानते। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अपनी मदद को, जहाँ पे एक इंसान को 500 लोग हेल्प कर रहे हैं,
वहाँ पर एक इंसान को 10 लोग हेल्प कर रहे हैं और बाकी के जो 490 लोग हैं वो अलग अलग 490 लोगों की हेल्प करेंगे। तो आप देखना कि कितनी जल्दी, मतलब एक ऐसी हमारे देश में हवा चलेगी हेल्प करने की और बांट के खाने की, कि आप देखना कैसे हज़ारों लोगों की परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। तो मेरा छोटा सा मोटिव है ये वीडियो बनाने का कि एक बंदे की हेल्प 500 लोग ना करें, और एक आप उनकी हेल्प करें, बाकी के जो लोग हैं, जैसे 10 लोगों ने उनकी हेल्प करी तो उनके लिए सफिशियंट था वो, बाकी के जो लोग हैं वो अलग अलग लोगों की हेल्प करें, ताकि जो बेचारे बुजुर्ग हैं, किसी के पास दवाई के पैसे नहीं है, किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के बच्चे को दो टाइम की रोटी नहीं मिलती। तो मेरा मानना ये है, बाकी सोशल मीडिया की असली पावर ये है, और एक हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमारे देश के अंदर कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो दोस्तों अच्छी लगे तो बात आप शेयर कर देना, और बाकी दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि एक छोटा सा हम भी कोशिश करते हैं ज़रूरतमंदों तक अपनी हेल्प पहुंचाने की, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन है एक, और जो भी अमाउंट मेरे पास में, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, और बहुत जल्दी मैं उन सभी भाइयों को मैं अप्रोच करके, और कैसे कैसे किसकी मैंने कैसे हेल्प करी है बहुत जल्दी मैं वो वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो दोस्तों अगर आप एक बार आप देखें ज्वाइन ऑप्शन के अंदर, आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, आप अगर आप नहीं जा सकते तो आप हमारे थ्रू भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। बाकी आप दोस्तों अच्छी लगे तो शेयर कर देना, बाकी जैसे चलता आ रहा है वैसे आगे भी चलता रहेगा। सत श्री अकाल, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला।